यूट्यूब पर मैं कैसे आई, कैसे मैंने चैनल बनाया, आज मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी शुरू से लेके लास्ट तक कि किन किन मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली है यूट्यूब पर। तो मतलब 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं पहले दबंग जाटनी है उनके ब्लॉग देखा करती। तो मतलब धीरे धीरे यूँ था कि एक दिन क्या हुआ कि जैसे ये ऑफिस जाते थे तो ये मेरे को 50 रुपये दे के गए थे कि इसमें तो सब्जी ले लेना पीछे से और जो भी हो। तो मैंने 40 रुपये की मैंने सब्जी खरीद ली थी, टमाटर जो भी था, मतलब जो भी खरीदना था 40 की मैंने खरीद ली, 10 रुपये उसमें से बच गए थे। फिर क्या हुआ कि 10 रुपये बच गए, तो मैं उस दिन मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं गोलगप्पे खाऊं। फिर मैंने क्या किया, 10 रुपये लेके मैं गोलगप्पे के पास चली गई, गुड़गांव की बात है ये, रेडी के पास जाती हूँ मैं। और मतलब हाथ में 10 रुपये थे कि कल भी सब्जी लेनी है, और मैं मतलब उनको यूँ देख रही थी कि मैं गोलगप्पे खाऊं या फिर नहीं खाऊं, खाऊं या फिर नहीं खाऊं। वो रेडी वाला भी कई देर देखता रहा कि ये क्या कर रही है। और फिर मैंने क्या किया, वापिस आ गई मैं उन्हीं पैरों, मैंने नहीं खाए गोलगप्पे, मैंने 10 रुपये बचा लिए। मतलब हालांकि ये मुझे कभी मना नहीं कर देते कि तू चीज़ें मत खा या फिर वो, लेकिन वो बात है कि मतलब औरत हूँ, हर चीज़ समझ सकती हूँ भाई कि ये कितना कमाते हैं, कितना इनका बजट है, कितना मेरे को खर्चा करना चाहिए। फिर मैं वापस आ जाती हूँ, मैंने नहीं खाए गोलगप्पे, और आके रूम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई कि देख आज मेरे पास 10 रुपये के लिए मैं वापस आ गई, 10 रुपये के लिए मैं वापस आ गई। फिर ऐसे ही मतलब सो गई थी मैं रो रहा के। और फिर जैसे मैं दबंग जाटने की इनके व्लॉग देखा करती थी, फिर जैसे मेरे को मतलब सो रही थी मैं, तो अचानक से मतलब मेरे को यूँ हुआ कि भाई यूट्यूब चैनल बना ले, तेरे को भी चैनल बनाना चाहिए, इससे अच्छी खासी अर्निंग हो, मतलब अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं घर बैठे, कोई वो भी नहीं करना पड़ता। फिर मैंने उठ के मैं बहुत खुश हुई, फिर मैंने अपनी बहन, जो मेरी बहन पूनम है, मैंने उसको बताया कि मेरे को तो ऐसे ऐसे सपना आया और तू चैनल बना ले। फिर मैंने तुरंत मैंने वीडियो देखनी स्टार्ट की, चैनल कैसे बनाए, मतलब सारी चीज़ मैंने देखी। फिर मैंने तुरंत चैनल बना लिया अपना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती थी, मतलब जो मेरा पहला चैनल था, आपको बताती हूँ कि मैंने चैनल भी कितने बनाए। फिर जो मेरा पहला चैनल था उस पर फिर मैंने वो स्टार्ट किया धीरे धीरे, मतलब जैसे कुछ सब्जी की, मतलब खाना की छोड़ती थी मैं, रेसिपी होगी, मतलब कुछ ऐसे डेली ऐसी छोड़ती थी। 80 के करीब सब्सक्राइब हो गए थे। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और भी ज़्यादा मतलब मुझे ये लगा कि मुझे दूसरों के ऊपर ना डिपेंड होके खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। फिर मैंने उसके ऊपर जो एक सीरियल आता था साथ निभाना साथिया, उसकी मैंने उस पर अपलोड करनी शुरू कर दी, मतलब यू की यू कॉपी करके यू की यू कर दी। पता नहीं था इस पर कॉपीराइट आएगा या क्या, नहीं क्या आएगा या नहीं। फिर लास्ट में जाके उस पर टाइम सब कुछ पूरा हो गया, 1700 मैंने सब्सक्राइब कर लिए थे उस पर। फिर जब मोनेटाइज सब कुछ हो गया था, फिर मैं इतनी खुश थी कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और फिर देखा एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता का टाइम लगा, देखा तो चैनल ही नहीं है, बहुत दुख हुआ, बहुत रोई। फिर मैंने एक बनाया स्टडी का, एमए का ही, जिसमें मैं अपनी हिस्ट्री के कुछ नोट्स अपलोड करती थी, उस पर पढ़ाती थी, 20 सब्सक्राइब उसके किए। वो आईडी भी फिर मैंने बंद कर दी। फिर मैंने वो 1700 सब्सक्राइब हुए, मैंने सोचा कि यू क्यों मैं अपलोड करती हूँ, क्यों ना मैं बोल के अपलोड करूँ फोटो लेके। फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया, मैंने फोटो लगा के खुद बोल कर वो सीरियल जो होता है साथ निभाना साथ है, उसकी मैं अपलोड करती थी। फिर उस पे लास्ट में आके 6,500 सब्सक्राइब मेरे हुए, और
डॉलर भी बन गए थे 10 डॉलर। वो जो एडसन पिन था वो घर पे आना था, फिर 24 डॉलर बन गए थे, वो पिन नहीं आया घर पे। ना जाने क्या गलती की थी मैंने, क्यों नहीं आया वो, नहीं आया। फिर मैंने ये वाला स्टार्ट किया और आज इस पे मेरे 6700 सब्सक्राइब हैं। सिर्फ एक रूम से मैं वीडियो बनाती हूँ, रूम के बाहर भी मैं वीडियो नहीं बनाती। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी भी होंगी, कोई ऐसी वीडियो मेरी नहीं मिलेगी चैनल पर। मैंने वो स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को ये है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर पैसे की ज़रूरत है मैं किसी के नाम हो के नहीं, खुद के पैसे ही। मुझे वो चीज़ भी आज भी अंदर तक खा रही है कि पैसों के लिए मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ दिया गया, वो चीज़ें नहीं। मैं खुद के दम पर, अगर पैसे नहीं है ना, क्योंकि ये कितनी बड़ी बात है अगर कोई ये भी कह देना कि ये तेरी वाइफ है तो कितना गुस्सा आता है। नाम जोड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं अपने दम पर कुछ करूँ। और जब मैं ग्रेजुएशन करती थी नारनौल गर्ल कॉलेज से पढ़ी हूँ, मेरा एक ही सपना था, जो भी लड़कियाँ थी मतलब स्पीच कार, इन चीज़ों का मुझे शुरू से ही बहुत शौक है। तो वहाँ पे मैं कहती थी हमेशा, अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, न जाने कितने रुपये चढ़ा देते हैं। मैं हमेशा लड़कियों को यही समझाती थी कि क्यों ना इन पैसों को, भगवान पैसे थोड़ी मांगता है कि मेरे दर पर आओ पैसे चढ़ाओ, वो तो पैसे देते हैं। कुछ ऐसा करो आप, मैं ये कहती थी, जो भी नंगे पैर ये फुटपाथ पर ये रहते हैं, आप जो मंदिर में चढ़ाते हैं इन पैसों से लेके उनको चप्पल या फिर कुछ ऐसा वो करो ना सर्दियों के लिए कि उनको दिलाओ आप। यही मेरा हमेशा से सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं, और मैं चाहती हूँ कि ये सपना मेरा जल्द ही पूरा होए। मैं ऐसे लोगों के लिए मदद करूं, हमेशा खड़ी हूं। देखी है मैंने बहुत सारी शादियां भी मैंने ऐसी देखी है जिसमें माँ बाप मतलब ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते बेटी की। मैं यही चाहती हूँ कि मैं ढाल बनूँ उन सब के लिए, मतलब मेरा यही सपना है कि मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और आप लोगों का अगर प्यार सपोर्ट और भी ऐसा मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और मतलब यही मेरा सपना है, कुछ ऐसी आवाज़ बनूँ जो आज भी बहुत सारी लड़कियाँ दुखी हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। तो बहुत सारे ऐसे सपने हैं, और खुश हूँ मैं आज कि मेरे चैनल पर इतना है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिखाई देती है, हमेशा सच के साथ खड़ा रहना, झूठ के मतलब झूठ को बिल्कुल भी नज़दीक भी नहीं आना, सच के साथ खड़ा रहना, ऐसे लोगों की मदद करना जिनको ज़रूरत है। और इसलिए मैं अब चैनल भी बंद नहीं करूँ, पाछे भी लाग रहे हैं वो क्या आग्रह, घर वाले ही सबसे ज़्यादा वो आग्रह वीडियो बनाओ है ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक का है और वो ये है, भगवान पैसे देता है वो लेते नहीं। अगर हम ये पैसे चढ़ाते हैं ना इनका, अगर हम कुछ गरीबों की कुछ औरों की मदद कर जाएं तो सभी एक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत सभ्यता हमारी जो है एकता सूत्र में बांधती है हमें, सभी लोग एक मिलजुल कर, तो उनको भी मैं बराबर करना चाहती हूँ। और यही मेरा सपना है, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइयो। और यही रिक्वेस्ट है कि एक दिन आप सबकी मेहनत से मैं वो मुकाम हासिल करूँगी कि मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा यही सपना है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, उस टाइम मुझे ज़रूरत थी कि मैं अपने लिए खुद करूँ, पैसे जोड़ के वो करूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे ये भी रियलाइज़ हुआ कि आज मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं देखते हैं, आप जाते हो कहीं पे मेरे को ये खिला दो, बहुत सारे ऐसे हैं, तो कुछ ऐसा करो, पढ़ाई का खर्चा जो छोटे बच्चे हों आज कल, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं गरीब परिवार जो पढ़ भी नहीं पाते बच्चे, तो कुछ ना कुछ उनके लिए मैं करूँ। और ये सिर्फ आप लोगों के वजह से हो पाएगा, आप लोग अगर साथ दोगे, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो एक दिन मैं ज़रूर ये काम करूँगी। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो उसके चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर में, जितने भी फ़ोन है सब्सक्राइब करो, डेली वीडियो को फुल वॉच करो, और आगे भगवान की मर्ज़ी है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर ये काम करेंगे। और
ऐसे लोगों की ढाल बनना है मुझे अब, हमेशा सच के साथ खड़ा रहना है, सच की लड़ाई लड़ना है, ठीक है, और किसी से नहीं डरना। ये तो मेरी शुरू से ही आदत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं करती तो मैं डरती किसी से नहीं हूँ जी। फिर मेरे को चार बात सुनानी पड़े या फिर सुननी पड़े, अगर मैं सही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, ये मैं बात कहती हूँ। और झूठ का तो मैं बिल्कुल साथ नहीं देती हूँ, ठीक है। तो ये सब सिर्फ आप लोगों की बदौलत से, आप लोगों की सब से होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर एक उस मुकाम पर पहुँचूँगी। तो जल्दी से अभी से शुरू कर दी चैनल को शेयर करना, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।